ये देखें जी, किचन मेरा बिल्कुल नीट क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। और ये देखें, ये मेरा दूसरा रूम, इस रूम की थोड़ी सी जो है सेटिंग भी चेंज की है। ये भी मेरे धोने वाले कपड़े पड़े हैं, ये मेरे अभी धोने के लिए जमा करने लगी हूँ। मशीन लगानी है लेकिन अभी नहीं, हो सकता है कल लगाऊँ या परसों लगाऊँ, क्योंकि फिर मुझे बेडशीट्स वगैरह भी वॉश करनी है। और मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान से एक दिन या दो दिन पहले मैं चेंज करूँ बेडशीट्स, ताकि रमज़ान बिल्कुल नीट क्लीन हो सारा सिस्टम। और ये देखिए, फ्रिज पहले जो है वो यहाँ पर था जहाँ पे अभी टेबल है, और मैंने इसको अभी यहाँ पे कर दिया है वॉश करके, सारा साफ़ सुथरा करके, और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। और अब ये देखें फ्रिज में कितना नीट क्लीन है, ये देखें बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। और ये देखें, ये तो इंतहा की बुरी इसकी हालत बनी हुई थी, और अब ये भी साफ़ सुथरा है। बहुत बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम गई थी इसमें, और ये भी नीट क्लीन हो गया जी। मैं मान साहब आप क्यों बैठी हुई हूँ, आ जाओ, शाबाश। और ये अभी इसकी कारपेट तो छत पे ही है, कल धोई थी, कल वो सूख तो गई थी, लेकिन मैंने कहा आज फिर उसको अच्छे से, ज़रा धूप तो बहुत कम निकली हुई है, हल्की हल्की सी, लेकिन मैंने कहा हवा अच्छे से उसको लग जाए, ताकि उसमें कोई नमी वगैरह जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये देखें, बैग रख के ये चढ़ी वहाँ सिंघार पे हुई है, सिंघार कर रही है मैडम। चलो पढ़ लो अब अपना। सफाई करते करते कुछ भूल तो नहीं गई ना? और ये सफाई कर ली है मैंने सारी, और बस डस्टिंग वगैरह रह गई है वो अलमारी को, मैं तकरीबन हर हफ्ते ही तकरीबन इसकी मैं अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, अभी कर लूँगी, आज भी शाम तक कर लूँगी। बाकी बिल्कुल पूरा घर मेरा नीट क्लीन हो गया, सारी सफाइयाँ मेरी अच्छे से हो गई हैं, सही डीप क्लीनिंग मैंने घर की कर ली है। ये देखें टाइल्स भी कितनी अच्छे से चमक रही है, कल रगड़ रगड़ के रगड़ के इनको मैंने साफ़ किया, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली है। और अभी मैं जाती हूँ छत पर, कारपेट को चेक करना है मैंने, और आपको भी दिखाती हूँ कि कारपेट कैसे धुली है। ये कारपेट हमने धोई थी, धो के इसको अच्छे से यहाँ बिठा दी, बिछा दी, और देखें कितनी नीट क्लीन हो गई है, बिल्कुल साफ। ये भी इसकी बैक साइड है, और बैक साइड ही ज़्यादा मट्टी होती है, देखें बैक साइड से कितनी साफ है। ये देखें, ये फ्रंट है इसका, बिल्कुल नीट हो गई है, बिल्कुल साफ। और ये इसके नीचे जो फोम बिछा होता है ना, इसको भी धोया था, हवा तो चल रही उड़ गया ये, ये देखिए। अब मैंने इनको यहाँ पे दोनों तारों पे इस तरह करके अच्छे से कवर कर दिया ऊपर से क्लिप्स के साथ, और कारपेट मैंने यहाँ फोल्ड करके रख दी, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गई है। फिर मैंने यहाँ रख दिया ताकि जितनी धूप चलो है तो वो अच्छे से इसको लगती है, ऑब्जॉर्व हो जाए इसमें अच्छे से। और ये देखें हवा कितनी ज़्यादा है, और ये देखें हमारे बैग जो जिंदाई में मैंने आपको ये भी दिखाया था ना, देखिए कितने ज़्यादा खेत जो है ना ये उग भी गया, पता नहीं क्या लगाया है इन्होंने, कुछ कोई सब्जी लगाई है, लेकिन कितनी ज़्यादा उग गई है, उस दिन बिल्कुल ही खाली थी, दो हफ्ते के अंदर उग गया था कुछ। और ये देखें हवा इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतना प्यारा व्यू हुआ, डर भी है कि उड़ के नहीं चले जाए, पर नहीं जाएंगे, चलते हैं देखते हैं बच्चे क्या खा रहे हैं। वाह कैंट का नज़ारा, रात के टाइम रोड और टी 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 भी टी 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 नहीं करो, आराम से बैठो, मिल जाओगी, बाइक पे हो, गाड़ी में नहीं हो। मैं बहुत तंग हूँ, मैं पेट तंग है। मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल, और ये बन बन फिर आपको दिखाऊंगी, और भी दिखाते हैं आपको कि बच्चे क्या कर रहे हैं। शाम हो गई है, और ये देखिए ये एज़ यूजुअल आज हमारी डिश, कितने दिन से तकरीबन दो हफ्ते से ज़्यादा ही हो गए, हमारी डिश जो है ना वो ख़राब हो गई थी, हिल गई थी हवा से, तो उन्हें टीवी देखने के लिए नहीं मिल रहा था। अभी इन्होंने ज़िद की, तो फिर मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर के लिए सेट करके देती हूँ उनको, फिर देख रहे। लाइट चली गई है और UPS ऑन है, और ये TV बंद नहीं कर रहे, और चावल हमारे रेडी हो गए। चलो अनस, चलो ये एक्स्ट्रा चीज़ें उठाओ बेड से और शीट डालो, चलो शाबाश, शीट डालो, मैं खाना ला रही हूँ, चावल रेडी हो गए, चलो शाबाश। तो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के साथ यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। आज की वीडियो बस इतनी सी, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।